गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं, जिसके लिए वन महकमा पहले से ही चौकन्ना हो जाता है और 15 फरवरी से 15 जून तक वन अग्नि सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी रेंज के अधिकारी व कर्मचारी वनों के पास रहने वाले लोगों को वनों को आग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, ताकि आग की घटना होने पर वन विभाग स्थानीय लोगों की मदद से आग पर शीघ्र काबू पा सके। तो वही थानो रेंज के अंतर्गत भी वन विभाग ने वनों को आग से बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। रेंज अधिकारी नथी लाल डोभाल ने बताया कि गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाएं होने का खतरा भी शुरू हो जाता है, जिसके लिए उनके द्वारा जंगल किनारे बसे गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है। हमारे द्वारा जगह जगह फायर गोष्ठियां की जा रही है। स्कूलों से लेकर गांव प्रत्येक गांव में लगभग हम फायर गोष्ठी कर रहे हैं। अभी तो आग लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है तो धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। तो हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जंगलों में जलती बीड़ी सिगरेट या किसी जलते हुए सामान को न फेंकें और आग बुझाने में हमारा सहयोग करें। तो हमें सभी लोगों का सहयोग आग बुझाने में मिलता रहता है। अगर जो है फायर या आग लगाते हुए या जलती बीड़ी सिगरेट कोई जंगल में फेंकता है, तो उस पर फॉरेस्ट हम लोग जो है काफ़ी कार्रवाई करते हैं, उसको जेल तक की सज़ा हो जाती है। तो उसे छोड़ मतलब हमें अगर पता चल गया कि फलाने व्यक्ति के द्वारा आग लगाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।